नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसान और इजी फटाफट बनाने वाला स्नैक्स है, कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आइए हम इसका इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए चीज़ क्यूब जी अमूल के लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तकरीबन दो बड़े प्याज कटे हुए बारीक बारीक, एक कैप्सिकम कटा हुआ बारीक, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगैनो रिफाइंड और ब्रेड के पीसेस। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और ये पैन अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच बड़ा रिफाइंड का डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम सॉटे करेंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसको सॉटे कर लीजिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। साथ ही हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे और इसको फिर हिला देंगे। उतनी देर कि चीज क्यूब्स अमूल के जो ऐसे दिखते हैं बाजार में ऐसे मिलते हैं, इसका हमने कवर उतार दिया है और इसको हमने अंदर से ये ऐसे है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे ऐसे। हम चार चीज क्यूब लेंगे और उसको हम काट लेंगे। इतनी देर में अब हमारे प्याज और शिमला मिर्च हो गई है। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, जस्ट फॉर टेस्ट, बिल्कुल हल्का सा। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी ऑरिगैनो डालेंगे और इसको फिर से हिला लेंगे। और साथ ही हम इसमें चीज क्यूब डाल देंगे। गैस को हम हल्का कर देंगे और इसको दो मिनट के लिए ढक देंगे ऐसे। दो मिनट हम इसको स्टीम में रहने देंगे और फिर इसको हिलाएंगे। अब हम इसको मैशर से मैश कर देंगे ऐसे। उतनी देर में हम अपना ओटीजी ऑन करेंगे इसको प्री हीट करने के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। गैस हम बंद कर देंगे। ये बहुत ही फटाफट बन जाता है। इसको हम अपने ब्रेड के स्लाइस पर ऐसे लगाएंगे। अच्छे से लगाएं ताकि सारी तरफ चाहिए स्प्रेड हो जाए। इवनली हम इसको स्प्रेड कर देंगे। अभी हम अपना ओटीजी खोलेंगे। ये गर्म हो चुका है। अब ये स्लाइस को हम अपने ओटीजी में डाल देंगे।
और इसे बंद कर दीजिए। अभी जब तक ब्राउन होता है तब तक हम वेट करते हैं। अब हम अपना ओटीजी खोलेंगे और इसमें से हमारे जो ये ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं इसको निकालेंगे बाहर। ऐसे ये ब्राउन हो चुके हैं, हम चाहें तो इसे और भी ब्राउन कर सकते हैं, ये हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम काटेंगे अब ऐसे बीच में से। और इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। अगर हम चाहें तो हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ये चिली फ्लेक्स हैं, इसको हम ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये हम टमाटो सॉस के साथ खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा अब रेडी है, अब इसको आप खाइए और इसका मज़ा लीजिए।